सकता मैं। और अभी आपको रोकते हैं खास खबर में, और अब आपको सीधा ले चलते हैं बिहार, जहां विधानसभा चुनाव को लेकर नरेंद्र मोदी अपनी चुनावी सभा को संबोधित कर रहे हैं। मुजफ्फरपुर के मोतीनगर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी रैली को संबोधित कर रहे हैं। ये सरकार चाहे केंद्र में हो या बिहार में, महिला सशक्तिकरण के अभूतपूर्व प्रयास चल रहे हैं। बेटियों की पढ़ाई, दवाई से लेकर कमाई तक एक के बाद एक कदम उठाए गए हैं। मिशन इंद्रधनुष हो, पीएम सुरक्षित मातृत्व योजना हो, आज गर्भवती महिलाओं के पोषण से लेकर टीकाकरण के लिए सरकार हर जरूरी मदद दे रही है। साथियों, बिहार में 4-4.5 करोड़ से ज्यादा जनधन खाते खोले गए, उसमें से 2.5 करोड़ से ज्यादा खाते हमारी माताओं बहनों के नाम है। बिहार की इन बहनों के जनधन खातों में कोरोना लॉकडाउन के समय सैकड़ों करोड़ रुपए की सीधी मदद पहुंचाई गई है। बिहार में जीविका दीदियों के लिए बैंकों से मिलने वाली मदद का भी विस्तार किया गया है। इस वजह से जीविका दीदियों का नेटवर्क दिनों दिन और मजबूत हो रहा है। भाई और बहनों, हाल में जो श्रम सुधार किए गए हैं उसमें देश की महिला श्रम शक्ति के लिए काम के सभी क्षेत्रों को पूरी सुरक्षा के साथ खोल दिया गया है। महिलाओं को पुरुषों के बराबर मेहनताने का कानूनी अधिकार सुनिश्चित किया गया है। बिहार में श्रम योगी पेंशन योजना के तहत लगभग 2 लाख श्रमिक साथी जुड़ चुके हैं। इसमें से भी लगभग 70,000 बहने हैं। मुद्रा योजना में बिहार में 4 लाख से ज्यादा बिना गारंटी के ऋण आवंटित हुए हैं, जिसमें से लगभग 2.5 लाख बिहार की महिला उद्यमियों ने लिए हैं। देश के विकास में, बिहार के विकास में बहन बेटियों की इस भागीदारी को हमें मजबूत करना है। साथियों, बिहार को आत्मनिर्भर बनाने की भावना के साथ आपको इस बार अपना वोट भाजपा, जेडीयू, हम पार्टी और वीआईपी के गठबंधन यानी एनडीए को डालना है। याद रखिए, आपका एक एक वोट बिहार को फिर से बीमार होने से बचाएगा। और मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं आपसे एक बात फिर से याद कराऊंगा। इस कोरोना का काल है, फेस मास्क, 2 गज की दूरी, इसका नियम आपके परिवार को बीमारी से बचाएगा। आत्मनिर्भर बिहार के संकल्प में शामिल होने के लिए आपका मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। और जो संख्या है, जिस तरीके से जो मतदाता निकल कर आ रहे हैं, आपको बता दें जहानाबाद
जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।